बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबा कमर, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर हरियत से होंगे। तो अभी जो है हम मछली का मसाला रेडी करने वाले हैं घर पे। 2 kg के हिसाब से हमारे पास मछली है, तो बड़े 2 टेबलस्पून इसमें हम नमक के ऐड कर देंगे। तो ये जो बड़े वाला चम्मच है, इसी की मदद से हम तमाम मसाला जात जो है इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 2 टेबलस्पून हमने ऐड करने हैं। और अभी जो है इसमें हम अजवाइन जो है, खुश्क धनिए का पाउडर 2 टेबलस्पून ये ऐड कर देंगे। और गरम मसाला पाउडर जो है वो हमने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है। और अजवाइन जो है इसमें आप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करनी, जस्ट 2 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन का जो है फ्रेश पेस्ट नहीं हम इसमें ऐड कर रहे, हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का पाउडर, और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का पाउडर जो है वो हम ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जब फ्राई करनी हो तो तब आप बेस्ट तो यही है कि पाउडर इसमें ऐड करें। तो अभी नेक्स्ट जो चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे वो खुश्क मेथी है। 1 टेबलस्पून इसमें हम खुश्क मेथी का ऐड करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त ही, एक तो खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो अभी जो है इन तमाम मसालों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो हमारा फ़िश मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, जैसे बाज़ार से मिलता है वैसा ही है। तो अभी इस मसाले में हम ऐड करने वाले हैं लेमन का रस। 2 टेबलस्पून इसमें लेमन का रस ऐड कर देंगे। तो अभी ये हमारा मसाला जो है खुश्क है, इसलिए इसमें हम ऐड करने वाले हैं दही। 2 या 3 टेबलस्पून इसमें हमने दही के ऐड करने हैं, फिर जो है हमारा मसाला अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगा। आप इसकी कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग। तो हमारे पास 2 kg से ऊपर ही है ये फ़िश, और है भी हमारे पास बड़े पीसेस में है। 2 पीस हैं हमारे पास बड़े वाले। तो ये देखें, इस तरह करके बड़े पीस हैं हमारे पास। तो इन पे जो है, आप इनको मैंने नमक और वाइट सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया, खुश्क भी हो गए हम दोनों पीस। तो अभी जो है इस पे जो मसाला हमने रेडी किया है घर पे, वो इस पे लगाएंगे अच्छे से। तो इस तरह करके तमाम पीसेस पे, दोनों साइडों पे अच्छे से जो है हमने मसाला जो है वो अप्लाई करना है। अच्छा, मसाला लगाने के बाद आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देना है, ताकि जितना भी हमने मसाला ऊपर लगाया है वो मछली में अच्छे से जज़ब हो जाए। तो ये देखें, दोनों पीसेस पे हमने अच्छे से लगा लिया है। तो अभी जो है इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो अभी 2 से 3 घंटे जो है वो गुज़र चुके हैं। तो अभी पहले थोड़ा सा इसे हम करेंगे कोयलों पर रोस्ट, तो फिर उसके बाद जो है हम इसे करेंगे फ्राई। तो अभी जो है इसे हम कर लेंगे फ्राई अच्छे से। तो माशाल्लाह हमारी फ़िश जो है बिल्कुल रेडी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो मत ही भूला करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।